हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 23 मई दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों नोटबंदी को लेकर अर्थात 2000 रुपए के नोटबंदी को लेकर RBI के गवर्नर ने देशवासियों से की है बड़ी अपील। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने देशवासियों से अपील की है कि आप नोटबंदी को लेकर, नोट बदलने को लेकर संयम रखें, जल्दीबाजी न करें। आपको 4 महीने का समय दिया गया है, यह एक लंबा समय है। आराम से नोट जमा करें और बैंकों में चेंज करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदल सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं गवर्नर को लाइव। 4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है, ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करे और इसको करे। आराम से करिए, टेक योर टाइम, 4 महीने है, बाय सितंबर 30th प्लीज एक्सचेंज इट। दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी पर बड़ा आरोप लगाया है। इस पर बीडी शर्मा जी ने दिया है चैलेंज और दिग्विजय सिंह को जेल पहुंचाने की भी जिद की है। दोस्तों सिख दंगों अर्थात 1984 का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। जब जब चुनाव का मौसम आता है राजनीतिक दलों का एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। मिशन 2023 फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी दौरान 1984 के दंगों को लेकर फिर कमलनाथ और भाजपा नेता आमने सामने हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अपने 2 नंबर के काम छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस पर बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें खुली चुनौती दे दी और उन्होंने यह भी कह दिया कि दिग्विजय सिंह के जेल पहुंचने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कमलनाथ जी पर किया है बड़ा हमला। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ मानसिक रोगी हैं। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को इलाज की जरूरत है और वहीं कांग्रेस नेताओं से अपील करते हुए कहा कि इनका इलाज करवाएं, यदि वे इलाज नहीं करवा सकते तो हम इलाज कराएंगे। तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी को लाइव। कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं, और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। दोस्तों समर्थन मूल्य पे खरीदे गए गेहूं में हुआ है 40 लाख रुपए का घोटाला। 40 लाख के गेहूं घोटाले के मामले में वेयर हाउस संचालक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। दोस्तों जबलपुर से खबर है। जबलपुर में गेहूं घोटाले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले का खुलासा तब हुआ था जब बोरियों का रेंडमली वजन किया गया तो 580 ग्राम गेहूँ एक एक बोरी में कम पाया गया। समर्थन मूल्य में गेहूं उपार्जन में हेराफेरी तथा बोरियों में कम मात्रा में भरने पर वेयर हाउस के संचालक और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बताया जा रहा है कि गेहूं उपार्जन में हेराफेरी तथा बोरियों में कम मात्रा भरकर 1850 क्विंटल गेहूं का घोटाला किया गया है जिसका मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है, अर्थात 40 लाख रुपए का गेहूं घोटाला हुआ है। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी सूचना है। दोस्तों जरूरी सूचना के तहत सोसाइटियों के कर्मचारियों की हड़ताल दिनांक 6 मई 2023 से चल रही थी जो 20 मई 2023 को समाप्त हो चुकी है, अर्थात सोसाइटियां चालू हो चुकी हैं। जिन किसानों ने लोन के लिए एप्लीकेशन एवं खाद के लिए परमिट नहीं कटवाए हैं वे कृपया समिति में जाकर अपने समस्त कार्य करवा सकते हैं। वहीं डिफाल्टर किसानों से भी निवेदन किया गया है कि जिन किसानों के द्वारा ब्याज माफी के फॉर्म भरे गए हैं वे किसान अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी सोसाइटियों में आकर जमा करवा देवे। इस प्रकार से जरूरी सूचना थी जो आप सभी के काम की है। दोस्तों चुनाव के लिए रणनीति में मध्य प्रदेश में लगातार हारने वाली सीटों पर 3 माह पहले प्रत्याशी तय करेगी अब कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार हारने वाली सीटों के प्रत्याशियों का नाम 3 माह पहले ही तय कर लेगी ताकि उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। दोस्तों मध्य प्रदेश में 70 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को पिछले कई चुनावों से पराजय मिल रही है।
इन सीटों पर पार्टी पहले ही प्रत्याशी तय कर लेगी ताकि प्रत्याशी अपनी मैदानी तैयारी के लिए पर्याप्त समय पा सकें। वहीं पार्टी के दिग्गज नेता भी इन क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि इन 70 सीटों में जीत हासिल हो सके। दोस्तों, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों से खबर है। इन जिलों के कर्मचारियों ने सिंचाई राजस्व मॉड्यूल में दर्ज नहीं की है किसानों की जानकारी। राज्य सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखकर बनाए गए सिंचाई राजस्व मॉड्यूल में इन 3 जिलों ने अब तक किसानों की जानकारी दर्ज नहीं की है। इनमें जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला शामिल है। मैप IT द्वारा विकसित सिंचाई राजस्व में किसानों के मोबाइल नंबरों सहित अन्य जानकारियां दर्ज करने की व्यवस्था बनाई गई है। दरअसल इस ऑनलाइन मॉड्यूल में जानकारी दर्ज होने पर किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। सुविधाओं के तहत जलकर की राशि संबंधित किसानों के खाते में प्रदर्शित की जा सकती है और किसान ऑनलाइन इस राशि को जमा भी करा सकते हैं। इनके लिए किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसको लेकर अब जल संसाधन विभाग ने इन 3 जिलों के कार्यपालन यंत्रियों को हिदायत दी है कि वे फीडिंग का कार्य 1 सप्ताह में करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासन के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में महुआ से शराब बनाने के लिए हामी भर दी है। मध्य प्रदेश में महुआ से निर्मित शराब उत्पादन को पर्यावरण स्वीकृति से मिलेगी छूट। अब महुआ से निर्मित शराब उत्पादन के लिए पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य शासन ने हेरिटेज शराब निर्माण इकाई को इसके लिए छूट प्रदान कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के 2 जिले अलीराजपुर एवं डिंडोरी में प्लांट लगाकर हेरिटेज लीकर यानी महुआ से शराब निर्मित की जा रही है। वहीं महुए से निर्मित शराब को 1 माह बाद बाजार में उपलब्ध कराने के लिए आबकारी विभाग इसकी लॉन्चिंग करने की भी तैयारी कर रहा है। वहीं शराब दुकानों में हेरिटेज शराब का भी विक्रय किया जाएगा, अर्थात जो शराब की दुकानें होती है वहाँ पर भी महुए की शराब का विक्रय किया जाएगा और यह शासन के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों, डिंडोरी जिले से ही खबर है। डिंडोरी जिले में नहीं रुक पा रहा है लोगों का पलायन। कारण है कि जल संकट से ग्रामीण परेशान हैं, अर्थात वहां पर गर्मी के मौसम में पानी पीने को नहीं मिलता। दोस्तों, डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां घरों पर साल भर ताले लटके रहते हैं। कोई मुंबई में परिवार सहित मजदूरी कर रहा है तो किसी ने केरल में अपना डेरा डाल रखा है। दोस्तों, पलायन की स्थिति जिले में ऐसी है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों ने 40% ही पंजीयन कराया है, क्योंकि अधिकांश गांवों में आधे से ज़्यादा परिवार दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले गए हैं। दोस्तों, सरकार को, प्रशासन को यहां पर ध्यान देना चाहिए और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, तालाब बांध का निर्माण करवाना चाहिए ताकि डिंडोरी जिले से लोगों का पलायन रुक सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आवासीय पट्टे का दुरुपयोग हो रहा है, इसका सर्वे करके पता लगाएगी मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर आवास बनाकर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को आवासीय पट्टे देने जा रही है। इसके साथ ही सर्वे कराकर उन व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने आवास बनाने के लिए पट्टा तो लिया है और दूसरे को बेच दिया या फिर उसका व्यावसायिक उपयोग कर लिया, अर्थात किराए पर दे दिया। ऐसे व्यक्तियों के पट्टा निरस्त करने के साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। इसके लिए अब सर्वे करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी यदि ऐसा कर रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।